जब बच्चा पैदा होता है और वहां होश संभालने लगता है तो उसके मन में एक ही विचार आता है, मुझे जल्दी बड़ा होना है, मुझे जल्दी ही कुछ करना है। बस सोचते ही सोचते वह बड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी सोच जो है वो वही है। आशा तृष्णा मनुष्य की कभी भी नहीं मरती है। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। सोचने से कुछ नहीं होता है, जो कार्य को करना है उसे शीघ्र करो और तुम ही कर पाओगे, और तुम्हारे अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि अब नहीं अब करूंगा। दुख और सुख भगवान ने बनाए हैं, यह आपकी जिंदगी में आते जाते रहेंगे। आपकी आंखों से देखा होगा सूर्य उदय होता है तो अस्त होना भी निश्चित है। बच्चा पैदा होता है, जवान होकर बूढ़ा होना भी निश्चित है। जो व्यक्ति आज करोड़पति है कल उसका रोड़पति होना भी निश्चित है। ये भगवान की लीला है, कभी धूप है तो कभी छाया है, और जो कंगाल है उसे अरबपति होना भी निश्चित है। चाहे वो 100 वर्ष लगे, 150 वर्ष लगे, लेकिन वक्त बदलता है। कहा जाता है कि सत्य के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी नंगे पैर सत्य के लिए संघर्ष करते रहे, वन वन भटकते रहे, क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि मुझे अधर्म को मिटाने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। और सत्य के लिए जो संघर्ष करता है उसकी विजय निश्चित होती है। रावण को मारने के लिए परमात्मा ने राज भोग राज तिलक सब सुख त्याग दिए थे, तो व्यक्ति संघर्ष से ही पार लगता है। जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें बहुत प्यारा होता है, क्योंकि आंखों से देखना और आत्मा से देखना ये बहुत अलग अलग बात है। चाहे हम जहां भी चले जाएंगे लेकिन तस्वीर उसकी नजर आएगी। प्यार करो तो कभी भी किसी से डरकर मत करो। ये प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है, पूरा किसी का नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का शब्द ही अधूरा है। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें जिनका प्यार जिंदगी भर के लिए मिल जाता है। इंसान भी बहुत मतलबी है साथियों। परमात्मा ने इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी चीजें बनाई हैं, और प्यार करने के लिए इंसान को बनाया है, परंतु इंसान उल्टा ही करता है। जो चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनाई है उनसे इंसान प्यार करता है, और प्यार करने के लिए भगवान ने इंसान को बनाया है उसे व्यक्ति इस्तेमाल करता है। व्यक्ति को ठोकर लगती है तो दूसरों को भी सिखा देता है, उस रास्ते पर कांटे हैं उस रास्ते पर मत जाना।